में और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज जो करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट बॉडी, ठीक है। तो देखिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले समझिएगा उसके बाद कॉपी कीजिएगा, टाइम है आपके पास। इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट बॉडी, ठीक है। इसमें से एक आध दो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग बॉडी की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। जैसे पहला केस कह रहा हूं, पहला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो खैर आपको पता होना चाहिए चार्ज क्यू है, और आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। क्यों भैया? क्योंकि आपको पता है जब भी इंटेंसिटी चेक करनी होती है तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, टेस्ट चार्ज, क्या रखोगे। अगर इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उसके ऊपर फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा। तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर फोर्स कम लग रहा है तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। यानी इसके इंटेंसिटी जो है इसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली है। दूसरा, आपको पता है टेस्ट चार्ज को दूर रख दोगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और उसको पास में रख दोगे तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो आर स्क्वायर के क्या हो गया, इन्वर्सली, क्योंकि फोर्स भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। और इंटेंसिटी है क्या, फोर्स ही तो है। कौन एक्सपीरियंस करता है, टेस्ट चार्ज। किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। इसको कंबाइन किया और यहाँ पर डायरेक्टली उल्टू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो गया, और इसको लिखा था ई इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर के इक्वल्स टू में 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, याद है। ये हो गया पॉइंट चार्ज केस। फिर आता है भैया दूसरा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ड्यू टू चार्ज रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है भैया, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पर निकालने आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, केयरिंग है। और इसको आपने चार्ज दिया और वो चार्ज क्या हुआ, चारों ओर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और आप चाहते हो कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो भैया आपको बता दूं, अगर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है तो ये इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी भैया, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो। पता कैसे ना, देखिए ये यहाँ का जो भी, यहाँ पर जो भी चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी। इसके जस्ट अपोजिट जो चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। ऐसे ही आधी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आधी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर नहीं बचेगी। अगला, थर्ड, एक बॉडी है जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। एक बॉडी है इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। इसको कहते हैं वैसे कॉन्टिन्यूअस बॉडी, ठीक है। मैंने यहां से एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसका एरिया क्या लिया, छोटा सा एरिया लिया, तो इसके ऊपर चार्ज भी क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, तो इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो भैया बता दूं कि मैंने छोटा चार्ज लिया, इसलिए ये चार्ज कैसा बिहेव कर रहा है, एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, वो तो देख लीजिए आर डिस्टेंस पर वो होगी भैया, क्योंकि चार्ज आपका डी क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डीई, और उसकी वैल्यू क्या होगी, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन में। अब इस पूरी बॉडी की वजह से करना है तो क्या करोगे, इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे, टोटल फील्ड, टोटल फील्ड, फील्ड क्या होगी भैया आपकी, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये ई हो गया, और इसको इंटीग्रेट करोगे विद लिमिट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई वगैरह में, खैर आपके सीबीएसई में नहीं है, ठीक है, लेकिन जेई वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपको ये पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बॉडी के लिए, इसे कहते हैं भैया कॉन्टिन्यूअस बॉडी, क्या कहते हैं इसे, या नॉर्मली इसको एक्सटेंडेड बॉडी भी कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंडेड बॉडी। जब भी आपको एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो आप पहले क्या लोगे, एक छोटा सा चार्ज लोगे, उसकी वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, और उसके बाद उस पूरी बॉडी को इंटीग्रेट कर दोगे, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी। मतलब इस छोटे से चार्ज के अलावा भी इस बॉडी के पास बहुत सारा चार्ज है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया। अब आ रहे भैया चौथा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा ध्यान देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग एट इट सेंटर, अब बोलोगे हमने तो कर लिया, एट इट सेंटर, एट इट्स सेंटर विद अ स्मॉल कट, विद अ स्मॉल कट,
देखिए क्या कह रहा है, एक हमने रिंग लिया ठीक है, ये रिंग ली पूरी रिंग है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कट है। इस कट की लंबाई क्या है भैया, मान लीजिए एल है, क्या है इस कट की लंबाई, ये कट की लंबाई है एल ठीक है। तो आपको पता है इस रिंग का आधा पार्ट इधर के आधे पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, लेकिन ये वाले पार्ट को कैंसिल करने के लिए जो ऊपर होना चाहिए था वो वाला पार्ट है ही नहीं इसके पास। मेरी बात सुन में नहीं? देखिए ये आधा पार्ट इस वाले आधे पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है, लेकिन नीचे वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कैंसिल करने के लिए ऊपर की तरफ एलिमेंट चाहिए वो है ही नहीं इसके पास। नहीं समझी? क्या तो बोल लो, ये आपका पूरी रिंग है ठीक है, और इस जो कट है उसकी लंबाई क्या एल है और इसकी रेडियस क्या आर है। आपको इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आर रेडियस है। तो आपको पता ये एल है तो नीचे वाला पार्ट भी क्या होगा, एल ही होगा, ये नीचे वाला पार्ट भी क्या होगा, एल होगा ठीक है। अगर ये एल है, इसको एल, ये एल हो गया छी, ये एल है तो ये भी क्या होगा, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का पार्ट भी क्या होगा, एल ही होगा है ना। ये जो गड्ढा है ये एल है तो नीचे गड्ढे की चौड़ाई थोड़ी ना बदल गई है, ये भी एल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इतने पार्ट को इतने पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैंसिल कर दिया, लेकिन इस वाले पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होनी चाहिए थी उसको कैंसिल करने के लिए ऊपर कोई पार्ट है ही नहीं। यहां पर एक बार बताता हूं भैया, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इस रिंग के जो सर्कमफेरेंस पर जो लेंथ है, लेंथ सर्कमफेरेंस देख रहे हो इसके, इसके सर्कमफेरेंस पर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो क्या है, लैम्डा। मतलब समझते इसका कि मतलब एक यूनिट लेंथ पर चार्ज क्या है, लैम्डा। तो दो यूनिट में क्या होगा, तीन यूनिट में चार्ज, जितनी भी लेंथ दे रखी होगी उस पर चार्ज निकाल सकते हो। तो ये नीचे वाले पार्ट पे जो कट जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो रही उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, एल लैम्डा, क्योंकि आपको पता है पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है इसका, लैम्डा। तो नीचे जो अनकट पार्ट है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो पा रही है सेंटर पर, उसकी लंबाई क्या है, एल है। इसको डीएल कर दो यार, क्या कर दो, डीएल दिख रहा है, ये डीएल है यहां से यहां तक की ठीक है। तो ये भी क्या होगा, डीएल ही होगा। तो ये अनकट पार्ट जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो रही है उसकी लंबाई क्या है, डीएल है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा, क्या होगा, डी क्यू। अब छोटा सा पार्ट है, लंबाई इसकी छोटी है तो चार्ज भी इसके ऊपर क्या होगा, छोटा होगा। तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू में डीएल होगा। सुन लीजिए मेरी बात को, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने जो चार्ज दिया था उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन मैंने इसमें एक छोटा सा कट डाल दिया जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है। तो आधी ये वाली पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन इस पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होनी चाहिए थी वो उसको कैंसिल करने वाला पार्ट ऊपर है ही नहीं। मतलब इतने पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेंटर पर रहेगी ठीक है। अब सेंटर पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, छोटे वाले पार्ट पर चार्ज। तो चार्ज कैसे निकलेगा, आपको पता है इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा। अब अपने आपको पता है एक यूनिट लेंथ पर अपना लैम्डा चार्ज है, तो जितनी भी आपको लेंथ दे रखा होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस लेंथ पर चार्ज पता लग जाएगा। तो अपने तो पता है इसकी लेंथ कितनी है, डीएल। अब पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, तो इस छोटे से पार्ट पर चार्ज कितना लिया मैंने, अज्यूम किया डी क्यू, और उसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू में डीएल। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक्ट एज अ छोटा चार्ज, कैसा बिहेव करता है वैसा। छोटे चार्ज की शेप कैसी भी हो लेकिन वो बिहेव करेगा एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। छोटा चार्ज है ना ये, बहुत छोटा चार्ज, मतलब क्योंकि हम जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो केवल जिन फॉर्मूले का ये इस्तेमाल हो रहा है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये भी क्या होगा, पॉइंट ही होगा, ये भी क्या होगा ठीक है भैया। इसकी शेप कैसी भी होगी, अगर बहुत छोटा है तो पॉइंट जैसे दिखेगा ना, कैसे स्पेरिकल शेप का ठीक है। तो यहां पर यही बोल रहा हूँ, एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, कैसा बिहेव कर रहा है, ये पॉइंट चार्ज की तरह, ये पॉइंट चार्ज कितना बिहेव कर रहा है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू में के चार्ज कितना भैया, डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा इनटू में डीएल, और दूरी कितनी है भैया इस सेंटर से, आर, आर स्क्वायर आ गया ठीक है। सुन लीजिए एक बार और बता दे रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको रिंग के सेंटर पर, लेकिन वो रिंग के सर्कमफेरेंस में छोटा सा कट है, उस कट की लंबाई कितनी है भैया, डीएल। तो अपने को पता है इतने पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इतने पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, लेकिन इस पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए जो ऊपर एलिमेंट चाहिए था वही नहीं, यानी ये वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो रही।
और ये पार्ट क्या है, बहुत छोटा है, तो इसलिए कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। इसकी लंबाई डीएल है, तो हमने इसके ऊपर चार्ज निकाल दिया। अपने को पता है लैम्डा क्या है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है, तो इस डीएल यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू में डीएल। और ये चार्ज छोटा है इसलिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के लिख दिया, क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू क्या लिखी है, लैम्डा इंटू में डीएल। और आर क्या है, दूरी जहां से हमें निकालना है, तो दूरी कितनी है, ऊपर निकालना ना, अपने को ऊपर निकालना ना। हो गया, कॉपी करो भैया से। ठीक चलो बेटा इतना सारा जवाब भरा है, बस बच्चों की तरह। बेटा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी तो आसान था, वो तो मुगली घुट्टी दी थी। क्वेश्चन गलत हो गए थे एक दो इस बारी। देखिए अगला आ रहा है भैया, रिंग के सेंटर पे हो गया, अब आ रहा है रिंग के एक्सिस पे। ये काफी इंपोर्टेंट है और इसकी डेरिवेशन सीधा सीधा आती है, ध्यान दीजिए भैया। कौन सा केस है, फोर्थ, फोर्थ है, फिफ्थ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन आती है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस। एक्सिस मतलब क्या हुआ, ये रिंग है आपकी, ध्यान दीजिए, इसकी रेडियस क्या है, आर है, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेंटर पर तो जीरो होती थी, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पूरी रिंग की, लेकिन अगर कट है तो जीरो नहीं होती थी, बताया था पीछे भी। तो हमें क्या करना है, पहले एक एलिमेंट लेना है इसके, जो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू, और इस पे भी चार्ज कितना है, डी क्यू, ठीक है। और टोटल चार्ज क्या है पूरी रिंग पे, टोटल चार्ज ध्यान दीजिए भैया, टोटल चार्ज कितना है, क्यू, कितना है इस पूरी रिंग पे, कुल चार्ज क्यू है, लेकिन ये जो छोटे छोटे एलिमेंट लिए मैंने, दो पॉइंट लिए, ठीक है, उनके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, क्यू का छोटा सा पार्ट है। अब चार्ज छोटा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी होगी। अच्छा दूरी कितनी होगी बताइए, ये वाली दूरी, ये आर है, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो क्या होगा, अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये छोटा एलिमेंट है, चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव है, इसका जो गिवन चार्ज है कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हर पॉइंट पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो कुछ कुछ पॉइंट आएगा। तो ये एक पॉइंट यहां पर लिया, एक पॉइंट यहां पर लिया, इस पॉइंट के पास चार्ज क्या था, पॉजिटिव क्यू, डी क्यू, इसके पास भी चार्ज कितना था, पॉजिटिव डी क्यू, यहां पर एंगल कितना है थीटा, और यहां पर भी कितना है थीटा, तो इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इधर आएगी डी, क्या होगी डी, और इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर आएगी डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे आई डी, और जो इस एलिमेंट की थी वो ऐसे, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काट रही है, काट नहीं रही है, यहाँ पर हम कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो टोटल जोड़ेंगे हम, वेक्टर सम के लिए कर रहे हैं हम, बाकी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। डायग्राम बस ऐसा बता रहा है कि भैया ये कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप जोड़ते हो, जैसे मैंने कल कराए थे क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पे, तो चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, वो काट नहीं रही है एक्चुअली में, आप जोड़ रहे हो वहां पर, ऐसा मत सोचना कि वहां पे कट हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कभी नहीं काटती, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्यों नहीं काटती, मैंने आपको रीजन भी लिखवा रखा था, थीटा तेरे को तो पता नहीं होगा क्योंकि तो घूम रहा है, ठीक है, ये भी थीटा, तो डीई को रिजोल्व कर दो, क्या बेटा डीई इधर क्या आएगा, कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, डीई साइन थीटा, ठीक है ना, इसको रिजोल्व करोगे तो इधर क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है, और इधर क्या होगा डीई। अब देखो आपको ये लग रहा होगा मैंने डीई कॉस थीटा फिर क्यों नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिख रहा, जरूरत भी नहीं है, ठीक है, डीई साइन थीटा। अब देखिए आप देख रहे हो ये डीई साइन थीटा, इस वाले डीई साइन थीटा क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि तो दोनों अपोजिट एक दूसरे के, लेकिन इसका डीई कॉस थीटा इधर ही था, और इसका भी डीई कॉस थीटा क्या था, इधर ही था, दोनों कैंसिल तो हो नहीं रहे, एड हो रहे हैं, टू है, दो एलिमेंट लिए तो टू ई कॉस थीटा हो गया। आपको पता है दो एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, अनगिनत पॉइंट होंगे इस रिंग के ऊपर, तो अनगिनत तो लिख नहीं सकता मैं, डी साइन थीटा वाला तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ का एक पॉइंट लिया, यहाँ का एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के डी साइन थीटा ने इस पॉइंट के डी साइन थीटा क्या किया, कैंसिल कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के डी साइन थीटा ने इस पॉइंट के डी साइन थीटा क्या किया, कैंसिल कर दिया। इस रिंग के आधे डी साइन थीटा, आधे रिंग के डी साइन थीटा क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, लेकिन इस रिंग के पूरे डी कॉस थीटा क्या होंगे, इसी डायरेक्शन में होंगे, और सबके सब जुड़ेंगे, मेरी बात सुन रही नहीं,
समझे, इस रिंग के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबके डीई कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में होंगे और वो सब जुड़ेंगे, ठीक है, जो एक डायरेक्शन में होते हैं उनको जोड़ते हैं। लेकिन इस रिंग के आधे डी साइन थीटा आधे रिंग के डी साइन थीटा क्या होंगे, अपोजिट होंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या कहने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, इस रिंग के सारे डीई साइन थीटा को जोड़ोगे तो इसका रिजल्ट क्या है, जीरो। इस रिंग के सारे डीई साइन थीटा को जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, पता है ना कैसे, यहाँ का डी साइन थीटा यहाँ के डी साइन थीटा के क्या होगा, अपोजिट होगा, खत्म, वो खत्म। यहाँ का डी साइन थीटा यहाँ का डी साइन थीटा को क्या करेगा, खत्म। इस रिंग के आधे डी साइन थीटा आधे डी साइन थीटा को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी पूरे डी साइन थीटा क्या हो गया, खत्म हो गया। बच कौन रहा हर बार, डी कॉस डी थीटा, ई कॉस थीटा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो टोटल फील्ड, टोटल फील्ड एट पॉइंट पी किसकी वजह से होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ पूरी रिंग के जितने भी डीई कॉस कॉस थीटा उनको जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि वही बच रहे हैं हर बार, मेरी बात सुन रही। अच्छा डीई क्या है, इस पॉइंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ईपी, अभी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के चार्ज कितना भी है पॉइंट पर, डी क्यू, दूरी कितनी है इसकी यहां से आता किस पॉइंट से, ये है ना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, इसको एक काम करते हैं एक्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं इसको, बाद में डाल देंगे इसकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर, क्या होगा ये पॉइंट है, डी की वैल्यू ये आ गई। और कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेटा बेस क्या है आपका स्मॉल आर है, क्या है इसकी, देखो ट्राइंगल देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल, तो इसका बेस क्या है स्मॉल आर है, और हाइपोटेनियस क्या है भैया एक्स है, क्या है एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है तो बता दूँ, ये पूरी टर्म और ये क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो ये जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ रिंग, अच्छी जी, के ठीक स्मॉल आर अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है, अंदर क्या बचेगा डी क्यू, पूरी रिंग के डी क्यू। अच्छा डी क्यू को वेरिएबल क्यों लिया, तो आपको पता है डी क्यू तो इस एलिमेंट पे चार्ज है, अगर आप जोड़ोगे तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और पूरी रिंग को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, क्यू ही तो आएगा, पूरी रिंग पे कुल कितना चार्ज है क्यू, और अगर आप डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जोड़ते जाओगे पूरी रिंग के तो क्या होगा, क्यू ही तो आएगा, क्यू ही तो आएगा, कहाँ क्यों रहे हो, ईपी इक्वल्स टू में के आर क्यू अपॉन में एक्स क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि तो हमें पता है पूरी रिंग पे कुल चार्ज कितना है क्यू, क्या है क्यू प्लस क्यू, तो इसको जब डी क्यू को जोड़ोगे पूरी रिंग के डी क्यू को जोड़ डालो तो क्या आएगा, कुल ही तो आएगा, और क्या है वो क्यू है। तो भैया आप लिख दो इसको के आर क्यू, और नीचे एक्स की वैल्यू क्या रखी भैया, तो एक्स की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, अंडर रूट में है तो इसलिए पावर क्या कर दो आप कर दो, और इसकी पावर क्या भैया 3 है, क्या है ये 3 है। तो आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में के स्मॉल आर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2 में, ये आपका आंसर है फाइनल। अब एक चीज देखिए भैया, मैंने बोला था अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर लाकर रख दूं तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा, और सेंटर पर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, पीछे बताया था। चलो यहाँ पे देखो आर को यहाँ पे पॉइंट पी को यहाँ पे लाके रख दो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आर की वैल्यू जीरो रखो तो क्या होगा, पूरी जीरो आ गई। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना एक्सिस पे, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये 3 नंबर का था, 3 मार्क्स का, कॉपी करो भैया, के बाद ये के क्यू आर एक्स क्यू, ये समझ में आ गया। अब तुझे पता है के रहा आर ये रहा क्यू ये रहा, एक्स की वैल्यू क्या है, इसको क्या लिख सकता है तू, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 1/2, इसको लिख सकता है। तो हमने क्या किया एक्स जहां पर था उसको लिख दिया 1/2, इसकी पावर 3 और 3 भी लगा दिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। और ये ध्यान रखना इफ आर इक्वल्स, यहाँ पे लिखना इफ क्या, इफ आर इक्वल्स में 0 तो पॉइंट पी कहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो चलो कॉपी करो। अरे गणित मत लगाना इसमें बहुत ज्यादा, मैं एस सी वर्मा के तरीके से मैंने डेरिवेशन करा दी है, वरना लिमिट तो मैं लेता, फिर तो मैं लेता 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। तो
तो मैं डाईपोल को आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर कल डाईपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। और डाईपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी है, मान लो आप निकाल लोगे बहुत आसान रहेगी, ठीक है। क्योंकि तो डाईपोल में दो ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। मिटाओ इसे, यहाँ पे एक सब टॉपिक डाल रहे हैं जिसमें टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक, सॉरी डाईपोल, इलेक्ट्रिक डाईपोल। ध्यान दीजिएगा, पहले इलेक्ट्रिक डाईपोल, इलेक्ट्रिक और डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भैया, तो ध्यान रखना, अ सिस्टम विच कंसिस्ट विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कह रहा भैया, सिस्टम विच कंसिस्ट विद द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कह रहा है एक सिस्टम जो कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर बना होता है, और दोनों चार्ज क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। ये चार्ज क्या है भैया, प्लस क्यू माइनस क्यू है, और ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। इनके सेंटर, इनके दोनों सेंटर के बीच की दूरी को क्या है भैया, आर है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं इसे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे देखिए भैया, एच सी एल, एन ए सी एल, के सी एल, H2O, ठीक है। ये डाइपोल हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी रुकिए, एक मिनट, नोट में कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। टोटल चार्ज ऑन डाइपोल, टोटल चार्ज ऑन डाइपोल, डाइपोल के ऊपर कुल चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज क्या है भैया, जीरो। इस पे भी चार्ज क्या है, जीरो। इस पे भी चार्ज क्या है, जीरो। सब पे चार्ज क्या होता है भैया, डाइपोल के ऊपर कुल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, नॉन जीरो ड्यू टू नॉन जीरो सेपरेशन। क्या कह रहा है पता भैया, कह रहा है कि टोटल चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जीरो नहीं होगी। रीजन क्या है कि भैया इनके बीच की है, दोनों चार्ज क्या है, सेपरेटेड है। क्या है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहां पर आएगी, तो इसके इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन भैया चार्ज कुल क्या होगा, इसका जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगी, यहां से आएगी। अगर दोनों चार्ज एक ही सेंटर पर होते, एक ही पॉइंट पर होते, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती, जीरो होती। लेकिन हमें पता है दोनों चार्ज अलग अलग पॉइंट पर है, तो इसलिए इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वही लिखा हुआ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो ड्यू टू नॉन जीरो सेपरेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि तो दोनों चार्ज के बीच में क्या है, सेपरेशन है, नॉन जीरो सेपरेशन है, मतलब जीरो सेपरेशन नहीं है, ठीक है, कुछ सेपरेशन है इनके बीच में। तो उसी सेपरेशन की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। चार्ज कुल जीरो होता है, लेकिन इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, ड्यू टू नॉन जीरो सेपरेशन, ठीक है। इसे ध्यान रखना, ठीक है। टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अरे इसे खैर, ये तो बाद का टॉपिक है। लिखिए अगला है डाइपोल मोमेंट, अभी मत कॉपी कीजिए, डाइपोल मूवमेंट, मूवमेंट पी से लिखते हैं इसको, पी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसी के अंदर ही है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो भैया मूवमेंट मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। क्या होता है, इफेक्ट अगर आप किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, ये मान लीजिए डाइपोल है, माइनस चार्ज है क्या, प्लस चार्ज, और इसको मैंने डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, माइनस की तरफ, कहाँ से निकलती है, प्लस से। तो ये माइनस वाला चार्ज क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा, और इधर की तरफ क्या होगा, प्लस नेचर होगा, तो उसको इधर खींचेगा। इसके अंदर क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट, क्या आएगा, उसी टर्न। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, बुक में जो आर यू मैंने यहाँ पर आर यूज कर रखा ना, बुक में आर के यहाँ पे टू आर या टू टू आर मतलब ना, टू एल यूज कर रखा है। क्या कर रखा है, तो टू एल का मतलब है कि सेंटर से, ये सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ तक का एल होगा और यहाँ से यहाँ तक का एल होगा। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन में हम फ्रैक्शन में ना लेके चले। मान लीजिए आर लूंगा मैं, क्या लूंगा, तो सेंटर से दूरी क्या होगी, आर बाय में टू, आर बाय में टू। फ्रैक्शन में चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए हमने क्या लिया, आर की वैल्यू को 12, ठीक है, ड्यू टू इजी कैलकुलेशन, फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है। इसलिए इसका कोई रीजन नहीं है, कोई खास नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए, जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, तो इसको प्लस वाले चार्ज को इधर खींचा जाएगा और माइनस वाले चार्ज को उधर खींचा जाएगा। इसके अंदर इसके टर्निंग इफेक्ट आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा, इसके अंदर घूमने वाला इफेक्ट आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं, वैन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस
सम टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट, दिस टर्निंग इफेक्ट, दिस टर्निंग इफेक्ट, इफेक्ट इज नॉन एज, नॉन एज डाइपोल, ध्यान दीजिए भैया, मूवमेंट, क्या कहते हैं इसको, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ओए एक मिनट काम रख दो पहले, ठीक है। अब कह रहा है ये पी से रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में कुछ बातें बता दूं आपको। तो पहली बात है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है भैया, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पे आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन ये डाइपोल कहां जा रहा है, अब जहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज है वहां पर ये क्या जा रहा है, नेगेटिव, और जहां पे इसका पॉजिटिव चार्ज है वहां वो क्या जा रहा है। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा ये हमेशा, अगर आप इसको छोड़ दो ऐसा, इसको ऐसा छोड़ दो तो ये कहां घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा ना, मतलब जिधर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था उधर इसका क्या होगा पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव होना चाहिए था इसका क्या होगा डाइपोल का नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में खुद को अलाइन करता है हमेशा ये, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट टू, अपोजिट टू, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेगेटिव टू फील्ड कहां से कहां पे चलती है, पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पे चलती है, पॉजिटिव से, और उसके अंदर ये कैसा रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है भैया। फटाफट इसको कॉपी कर लो, इसके आगे का अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन वाले फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और उसमें ये उल्टा रहता है।